नमस्कार दर्शकों, नोया सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय रुड़की में नगर निगम चुनाव का माहौल बना हुआ है, और आज इसी विषय को लेकर हम आम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आम लोग रुड़की नगर निगम चुनाव को किस नज़र से देखते हैं। आइए देखते हैं आपके अपने शहरवासियों ने इसको लेकर क्या बोला है। सर, रुड़की में चुनाव आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है मेयर कौन बनेगा? मेयर में यहाँ पे दो, मेरे को अभी लग रहा है जो दो लोग हैं वो टक्कर में लग रहे हैं, एक तो ऋषि राणा है और एक गौरव गोयल जी हैं, ठीक है। और बाकी क्या लगता है सर, कौन मेयर बनेगा इनमें से? मेरे को इन दोनों का ही टक्कर लग रहा है, बराबर का ही है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। मयंक गुप्ता भी हैं, उनका भी अच्छा सपोर्ट है बीजेपी की तरफ से, तो बाकी इन तीनों में ही लग रहा है, बाकी इनके अलावा तो मेरे को दिख भी नहीं रहा कोई। आप किसे सपोर्ट करेंगे? मेरा तो गौरव गोयल को है। क्यों सर? सर क्योंकि अच्छे काम कर रहा है उन्होंने। इससे पहले भी 5 साल उन्होंने मतलब स्कूल के लिए डोनेशंस और समाज सेवा में बहुत काम करा है, समाज सेवा में उन्होंने काफ़ी काम योगदान दिया है अपना, तो इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा। हाँ, हमें लगता है कि गौरव गोयल जी होंगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं और कभी भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो एकदम से उनकी हेल्प के लिए जाते हैं। उनको कोई अभी ऐसी सीट तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब उनको सीट मिल रही है तो हम सब कोशिश करेंगे उनको जितवाने की और ताकि वो जीत सकें। मुझे लगता है दो दिग्गजों की लड़ाई में ऋषि राणा जी इजीली जीत सकते हैं। दो दिग्गज? कौन से दो दिग्गज सर? एक तो मयंक गुप्ता जी और एक गौरव गोयल जी जो हैं। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऋषि राणा जीत जाएंगे, क्या कारण है? बस इनकी दो लड़ाई, जब इनके बीच में तीसरे को फायदा मिल सकता है इसलिए। रुड़की का मेयर जी गौरव गोयल को होंगे वो। क्यों सर? जी वो मेहनती हैं, क्योंकि ईमानदार हैं और समाज सेवक हैं, दूसरों की मदद पहले करते हैं अपना बाद में सोचते हैं। जी सर, जैसे और भी मेयर प्रत्याशी हैं तो क्या लगता है फाइट में कौन कौन है आपके अकॉर्डिंग? गौरव गोयल के अगेंस्ट तो मयंक गुप्ता है, यशपाल राणा और उनका भाई शिशु राणा। इनका माहौल ऐसा ही है कि ये गौरव गोयल को रोकना चाहते हैं ताकि ना बने, ये अपनी गद्दी पे ना पहुंचे। कांग्रेस और बीजेपी है। सर क्यों है ये दोनों पार्टियां? यही है पार्टी, तो और तो सब ऐसे ही है। नहीं सर, निर्दलीय भी जो प्रत्याशी उनके बारे में क्या कहेंगे? मतलब जो कैंडिडेट काम करेगा आज पब्लिक तो उसे ही सुनेगी जी। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा कैंडिडेट है? राणा जी ने बहुत काम करवाए हैं, राणा जी को ही चुनेंगे लोग बाग, क्योंकि रुड़की में जो आदमी काम कराएगा तभी उसी को वोट देगा। पार्टी से तो अब जा कोई ऐसा मतलब नहीं रहा, जो कैंडिडेट काम करता है उसी को वोट मिलना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। सर अभी आपने कहा पार्टी से कोई मतलब नहीं रहा, तो राणा जी तो खुद कांग्रेस पार्टी से हैं। पार्टी से हैं तो मगर उन्होंने काम कराया ना, तो लोग बागों के अंदर उनकी पहचान है, इसलिए लोग बागों नहीं सपोर्ट करेंगे पब्लिक जो है। देखिए ऐसा है, अभी जो आज के हालात हैं, चुनाव प्रचार आज पूरा हो चुका है और मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय लग रहा है। त्रिकोणीय ऐसे हैं कि गौरव गोयल जी भी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, मयंक गुप्ता जी अपनी पार्टी के हिसाब से जो उनके वोट बैंक है उसके हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से जो है वो चल रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है आज की डेट में, होने को कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन मेरा यही मानना है। बात अगर आपकी करें तो क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कौन होगा इन त्रिकोणीय मामलों में, मेयर कौन रहेगा? देखिए इसमें स्पेशल तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहाँ पर देखें तो जो रुड़की का इतिहास रहा है वो ये रहा है कि यहाँ से निर्दलीय जीतते आए हैं, तो हो सकता है इस बार भी जनता निर्दलीय को ही चुन ले, वैसे त्रिकोणीय मुकाबला है अब तक। जैसा कि अभी हमारे एडवोकेट सर ने बताया, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जो कांग्रेस है वो एडी चोटी का जोर लगा रही है, बीजेपी है वो जो है अपने वोट बैंक पे जो है खेल रही है, और जैसे कि रुड़की का इतिहास रहा है हमेशा से ही, यहाँ पे निर्दलीय जो है हमेशा जीतते आए हैं, दो बार का मेरे ख्याल से इतिहास रहा है, तो गौरव गोयल जी को भी बहुत जनता का प्यार मिल रहा है। तो अभी ये कहना कि कौन जीतेगा बहुत असंभव सी बात है, ठीक है, ये बाद में ही तय होगा, लेकिन तीनों बराबर की टक्कर ले रहे हैं अभी। देखिए मेयर कौन होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मेयर ऐसा होना चाहिए जो रुड़की के विकास के लिए काम कर सके, रुड़की के लोगों को साथ लेकर चल सके और अब तक की जो परंपरा रही उसके उलट कुछ अच्छा काम करे। कैसा उलट काम, मतलब कैसा अच्छा काम? देखिए रुड़की की एक जो पहचान है विश्व स्तरीय पहचान है, उसके अनुरूप आज तक किसी ने कार्य नहीं किया, तो अब रुड़की की जनता को तय करना है, कोई अच्छा जो भी होगा जिसे भी समझते होंगे उसे वोट करना चाहिए। और मेरी एक अपील है अपने शहर के लोगों से
कि मतदान अवश्य करें, चाहे वो किसी के भी पक्ष में करें, मतदान अवश्य करें। सर, मेयर प्रत्याशी में कौन कौन आपको फाइट में लग रहा है रुड़की चुनाव? जिसका एजेंडा सही होगा वही जीतेगा। क्या लगता है सर, ये जो प्रत्याशी है मेयर के लिए, क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग किसका एजेंडा सही है? इस चीज़ को लेकर अगर देखा जाए तो अभी तो जो इनके एजेंडे हैं वो शारिक अफरोज जी हैं जी। एक हमारे क्या नाम गौरव गोयल जी हैं जी। ये लोग अभी अपनी जो बात रख रहे हैं, ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं गौरव गोयल जी, ये भी अपनी अच्छी तरीके से बात रख रहे हैं। और जो शारिक अफरोज जी हैं वो भी सही मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं। अभी देखिए फाइट में तो फिलहाल तीन लोग ही अच्छे चल रहे हैं, एक तो गौरव गोयल जी और एक रेशु राणा जी कांग्रेस पार्टी से, और एक मयंक गुप्ता जी हैं। फाइट तो इन तीनों की है, बाकी देखिए ये रुड़की की जनता नगर निगम में किसको पहुँचाती है। जी सही बात तो रुड़की की जनता ही बताएगी, 24 तारीख में पता लगेगा। आपके अकॉर्डिंग रुड़की का मेयर कौन होगा? यशपाल राणा। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने विकास किया है, लोग साथ मिलके चलते हैं जी। जो बात है और बहुत अच्छी तरह से लेकर उन्होंने बात करने का और सारा विकास उन्होंने अच्छा किया जो होगा। इसके साथ साथ आपको कौन कौन फाइट में लग रहे हैं लोग? फाइट में बस बीजेपी है और कांग्रेस है, दोनों फाइट है, बाकी तीसरा नहीं है कोई। सर रुड़की में चुनाव है परसों को, तो क्या लगता है रुड़की का मेयर कौन होगा? गौरव गोयल के। क्यों सर? बस सबके दिमाग में यही है, गौरव गोयल ही है सबके। निर्दलीय वो पहले बीजेपी से थे, उनको टिकट नहीं मिला इसलिए वो आगे। बीजेपी कांग्रेस। क्यों? राणा सही आदमी है, दबंग भी है और ईमानदार आदमी है, और एक दूसरे का साथ जो ना देने वाला आदमी है, गरीबी का साथ देता है, कोई भी उसकी जगह पर चले जाएगा खाली नहीं आएगा, उसका काम होगा। और ये बीजेपी के जो हैं ये ओनली टरकाते हैं आदमी को, इन्होंने तो बिल्कुल बेड़ा गरक बिल्कुल कर दिया है। हमारे हिसाब से तो गौरव गोयल होना चाहिए। क्यों सर? वो सार्वजनिक आदमी है जी। अच्छा सर, और जो मेयर प्रत्याशी हैं तो आपको क्या लगता है फाइट में कौन कौन है? फाइट में तो गौरव गोयल है, मयंक गुप्ता है, यशपाल रीशु राणा है। आपको क्या लगता है, जैसे मेयर प्रत्याशी हैं कांग्रेस से है, बीजेपी से है, आम आदमी पार्टी से भी है, निर्दलीय भी हैं, तो क्या लगता है मैम कि कौन कौन सा सुनने में आ रहा है? कौन निर्दलीय में कौन ये है ना जिनका वो चुनाव चिन्ह वायुयान? कौन कौन फाइट में लग रहे हैं आपको? नहीं फाइट का तो हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम तो गौरव गोयल को ही देंगे वोट। तो दर्शकों, इन पब्लिक रिव्यूज पर आपने देखा कि रुड़की के आम जनता के चुनाव को लेकर क्या राय है। दर्शकों 22 नवंबर को आपके शहर रुड़की में चुनाव होंगे, तो नोया सिटी आपसे अपील करता है कि आप वोट देने जरूर जाएं और 24 नवंबर को आपके द्वारा दिए गए मतदान का रिजल्ट होगा। दर्शकों ये सब जानकारी आप देख रहे हैं नोया सिटी पर। आपको जानकारी अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करें और यूट्यूब चैनल नोया सिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।